हेलो स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और पढ़ाई पूरे दिलोजान से कर रहे होंगे। सो, आज हम क्लास सिक्स का चैप्टर नंबर 5 शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश फर्स्ट में, जो कि हमारा है माय फिनेंशियल करियर। अगर आप इसको समझें तो माय फिनेंशियल करियर का मतलब होता है कि मेरा पैसा या मेरा व्यवसाय जो धन संबंधी था, मतलब वह पैसा, वह व्यवसाय जिससे मैं अपनी अर्निंग करता था, उसके बारे में यहाँ पर एक बात बताई गई है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं उन बातों को। उससे पहले जानते हैं कि हमसे क्या कहना चाहता है। हैव यू एवर गोन टू ए बैंक विद वन ऑफ योर एल्डर्स? क्या आप कभी अपने किसी बड़े के साथ बैंक में गए हैं? इफ येस, अगर हाँ, वैन एंड वाई डिड यू गो? तो कब और क्यों आप गए? हैज़ देयर बीन एन इंसिडेंट इन द बैंक दैट इवोक लाफ्टर? क्या वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि उस बैंक में कोई ऐसी घटना हुई हो, आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो कि उसको याद करते ही आपकी हंसी छूट जाती हो? वट वॉज दैट? क्या था वह? इज देयर ए नीड फॉर द बैंक? क्या वाकई में हमें बैंक की ज़रूरत है? वाई और वाई नोट? वाई और वाई नोट, क्यों और क्यों नहीं? डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए जानते हैं पहले इस चैप्टर में क्या बताया गया है। व्हेन आई गो इनटू अ बैंक आई गेट रेटल्ड। रेटल्ड मीन्स होता है कंफ्यूज, कुछ डरा हुआ सा, कुछ सहमा हुआ सा। व्हेन आई गो इनटू अ बैंक, जब जैसे ही मैं बैंक में घुसा, आई गेट रेटल्ड, मैं थोड़ा कन्फ्यूज था, थोड़ा डरा हुआ था। द क्लर्क रेटल मी, अब जो वहाँ का जो क्लर्क होता है उसने मुझे डराया हुआ था। द विकेट्स रेटल मी, जो वहाँ की खिड़कियाँ विकेट्स होते हैं वो मुझे डराते हैं। द साइट ऑफ द मनी रेटल्स मी, अब जो पैसा होता है उसकी जो देख रहा नज़रिया होता है वो मुझे डराता है। एवरीथिंग रेटल्स मी, बैंक के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं उन सब से मैं डरता हूँ, वो सब मुझे डराते हैं। द मोमेंट आई क्रॉस द थ्रेशहोल्ड ऑफ ए बैंक एंड अटेम्प्ट टू ट्रांजैक्ट बिजनेस देयर आई बिकम एन इरेस्पॉन्सिबल इडियट। थ्रेशहोल्ड होता है गेट, जो उसका गेटवे है, जहाँ रास्ता है। जैसे ही मैंने बैंक का वह जो डोर था वह पार किया, तो पार करने के साथ ही, जैसे मैंने वो पार किया वह पल, जैसे ही मैं अपने वहाँ काम के लिए पैसा ट्रांजैक्ट करने की कोशिश कर रहा था, आई बिकम, तो मैं वहाँ पर एक बिल्कुल गैर जिम्मेदार बेवकूफ़ बन गया। मैं वहाँ पर ऐसा बन गया कि मुझे कुछ पता ही ना हो, बिल्कुल गैर जिम्मेदार, लापरवाह, बेवकूफ़ की तरह मैं वहाँ पर रिएक्ट कर रहा था। बट आई न्यू हिज बिफोर हैंड, आई न्यू दिस बिफोर हैंड, बट माई सैलरी हैड बिन रेज टू $50 ए मंथ and I felt that the bank was the only place for it. I knew this beforehand. मैं पहले से ऐसा सोचता था बट लेकिन अब क्या करूँ, क्योंकि जो मेरी सैलरी थी वो हर महीने $50 बढ़ रही थी और उसको रखने के लिए सबसे अच्छी जगह बैंक ही थी। So I sambled in, तो मैं बड़े धीरे धीरे से, बहुत स्लोली अंदर घुस रहा था। एंड लुक टिमिडली राउंड एट द क्लर्क्स, और जो वहाँ पर क्लर्क्स बैठे हुए थे उनको आराम से देख रहा था। आई हैड एन आइडिया दैट अ पर्सन अबाउट टू ओपन एन अकाउंट दैट हैड टू कंसल्ट द मैनेजर। आई हैड एन आइडिया, मुझे एक आइडिया था कि भाई जो एक आदमी होता है जो अकाउंट ओपन कराने जाता है वह मैनेजर से बात करता है। I went up to a wicket. अब विकेट समझो, यहाँ पर विकेट क्या है? विकेट इज द काउंटर विंडोज इन अ बैंक। किसी भी बैंक में जो काउंटर होते हैं, काउंटर होता है ना भाई, आप उसके एक तरफ खड़े होकर अंदर वाले से बात करते हो, तो बीच में जो पोर्शन है वो जो काउंटर है उनको विकेट्स कहते हैं। ठीक है, तो वो एक विकेट पर, एक काउंटर पर गया जिस पर अकाउंटेंट लिखा हुआ था। द अकाउंटेंट वॉज ए टॉल कूल डेविल। अब वह जो अकाउंटेंट था लंबा चौड़ा, बिल्कुल एक दानव की तरह दिख रहा था। द वेरी साइट ऑफ हिम रेटल्ड मी, अब जब उसने मुझे देखा तो मैं उसकी नज़रों से भी
डर गया। माई वॉइस वॉज सेपुलक्रल, माई वॉइस वॉज सेपुलक्रल मतलब कि बड़ी सीरियस हो गई, गंभीर हो गई और थोड़ी दुखी भी हो गई। जैसे उसने मुझे कहा, मैंने उसको, उसने मुझे देखा, मैं थोड़ा डर सी गया और डर के जो मेरी आवाज़ थी वो कांपने लगी, उसमें थोड़ा डर सा दिखने लगा। कैन आई सी द मैनेजर, आई सेड, मैंने कहा क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ, एंड एडिड सोलेमली अलोन, क्या मैं मैनेजर से मिल सकता हूँ, और थोड़ा सांस लेकर कहा अकेले। आई डोंट नो वाई आई सेड अलोन, मुझे नहीं पता कि मैंने अकेला शब्द इस्तेमाल क्यों किया। सर्टेनली सेड द अकाउंटेंट एंड फेच हिम, अब अकाउंटेंट ने क्या कहा, बिल्कुल क्यों नहीं, बिल्कुल मिल सकते हैं। द मैनेजर वॉज ए ग्रेव काम मैन, अब जो मैनेजर था वह बड़ा सीरियस था। ग्रेव मीन्स होता है सीरियस और काम मीन्स होता है शांत, बड़ा ही सीरियस गंभीर और शांत व्यक्ति था कौन, मैनेजर। आई हेल्ड माई $56 क्लच्ड इन ए क्रम्पल्ड बोल इन माई पॉकेट, अब मैंने आई हेल्ड, मेरी जो जेब थी उसमें मैंने $56 रखे हुए थे, कितने $56 रखे हुए थे। आर यू द मैनेजर, आई सेड, मैंने कहा क्या आप मैनेजर हो, गॉड नोज आई डिड नॉट डाउट इट, भगवान जानता है मुझे इसमें कोई शक नहीं है, भगवान जानता है मुझे इसमें कोई शक नहीं है। यस ही सेड, हाँ उसने कहा, क्या कहा, हाँ मैं ही हूँ। कैन आई सी यू, आई आस्क अलोन, मैंने उससे पूछा क्या मैं आपको देख सकता हूँ, क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ, लेकिन अलोन अकेले। आई डिड नॉट वॉन्ट टू से अलोन अगेन, मैं दोबारा अकेला नहीं कहना चाहता था, बट विदाउट इट द थिंग सीम्ड सेल्फ एविडेंट, लेकिन विदाउट इट इसके बिना जो चीज़ें होती हैं वो सेल्फ एविडेंट, सेल्फ एविडेंट मीन्स होता है कि एविडेंट मीन्स प्रूफ होता है, बिना इसके हर चीज़ प्रूफ लगती है, सेल्फ एविडेंट खुद की प्रूफ लगती है, खुद का सबूत लगती है। द मैनेजर लुक्ड एट मी इन सम अलार्म, अब मैनेजर ने कुछ देर के लिए मुझे देखा, ही फेल्ट दैट, उसने महसूस किया, आई हैड एन ऑफुल सीक्रेट टू रिवील, शायद मेरे पास कुछ गुप्त बात है, शायद मेरे पास कुछ रहस्य है जो मैं उसको बताना चाहता हूँ। कम इन हियर, ओके अंदर आओ, ही सैड, उसने मुझे कहा, एंड लेट द वे टू ए प्राइवेट रूम, और एक अकेले कमरे में मुझे ले गया। ही टर्न द की इन द लॉक, उसने अपनी जो चाबियाँ थी उनको लॉक पर रखा। वी आर सेफ फ्रॉम इंटरप्शन हियर, ही सैड, सिट डाउन। ही टर्न द की इन द लॉक, उसने अपनी चाबियों को किस में लगाया, लोग में लगाया, और उसने कहा यह जगह हमारे लिए बिल्कुल साफ है, बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सुरक्षित है, यहाँ पर हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, आओ बैठो। वी बोथ सेट डाउन, हम दोनों ही बैठ गए, एंड लुक्ड एट ईच अदर, और एक दूसरे को देखने लगे। आई फाउंड नो वॉइस टू स्पीक, मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था। यू आर वन ऑफ द पिंकरटन्स मैन आई प्रिज्यूम, ही सेड, उसने कहा, किसने, उस मैनेजर ने, कि मैं बिलीव करता हूँ, प्रिज्यूमिंग क्या होता है बेटा, कि आप किसी ऐसी चीज़ पर विश्वास करते हो जिसका आपके पास कोई सबूत नहीं है, चीज़ है विश्वास करते हो बट सबूत नहीं है, ठीक है। सो यू आर वन ऑफ पिंकरटन्स, तुम शायद पिंकरटन्स में से हो, पिंकरटन्स एक ग्रुप बताया गया है, तुम शायद पिंकरटन्स में से हो, ऐसा मैं मान सकता हूँ, ऐसा मुझे लगता है। ही हैड गैदर्ड फ्रॉम माई मिस्टीरियस मैनर दैट आई वॉज अ डिटेक्टिव, उसने मेरी जो हरकतें थी उनसे उसने अंदाजा लगाया कि हाँ मैं शायद एक डिटेक्टिव था, एक जासूस था। आई न्यू वाट ही वॉज थिंकिंग एंड इट मेड मी वर्स, मैं जानता था कि वह क्या सोच रहा था और यह मुझे ज़्यादा ही कुछ परेशान कर रहा था। नो नॉट फ्रॉम पिंकरटन्स, मैंने कहा नहीं नहीं मैं पिंकरटन्स में से नहीं हूँ। सीमिंग टू इम्प्लाई दैट आई केम फ्रॉम ए राइवल एजेंसी, अब यह लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं उसके कॉम्पिटिटर, भाई एक बैंक होता है ऐसे 10 बैंक होते हैं तो एक बैंक के लिए दूसरा बैंक कॉम्पिटिटर है, तो उसको लगा कि कहीं मैं उसके
कॉम्पिटिटर ने तो नहीं भेजा, क्या मैं उसका विरोधी तो नहीं हूँ। टू टेल द ट्रूथ, सच कहने के लिए आई वेंट ऑन, मैं तैयार हुआ। एज इफ आई हैड बीन प्रॉम्प्टेड टू लाई अबाउट इट, आई एम नॉट ए डिटेक्टिव एट ऑल, मैं कोई जासूस नहीं हूँ। आई हैव कम टू ओपन एन अकाउंट, मैं यहाँ पर एक अकाउंट ओपन करने आया हूँ। आई इंटेंड टू कीप ऑल माई मनी इन दिस बैंक, मैं अपना सारा पैसा इस बैंक में रखना चाहता हूँ। फाइनली उसने यह बोल ही दिया, फाइनली उसने यह सब बोल ही दिया कि वह कौन है और इस बैंक में क्यों आया है, वह कौन है और इस बैंक में क्यों आया है। द मैनेजर लुक रिलीव्ड बट स्टिल सीरियस, अब उस मैनेजर को थोड़ा सुकून मिला लेकिन वह अब भी सीरियस था। ही कंक्लूडेड नाउ दैट आई वॉज ए सन ऑफ बैरन रोथचाइल्ड और ए यंग गोल्ड। ही उसने अंदाजा लगाया कि मैं शायद बैरन रोथचाइल्ड का बेटा हूँ या मैं यंग गोल्ड हूँ। अ लार्ज अकाउंट आई सपोज, ही सेड, उसने कहा मुझे लगता है आप बड़ा अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। फेयरली लार्ज, आई विस्पर्ड, मैं फुसफुसाया, हाँ हाँ थोड़ा सा बड़ा। आई परपोज टू डिपॉजिट $56 नाउ एंड $50 अ मंथ रेगुलरली, हाँ अभी मेरे पास $56 हैं और हर महीने $50 आपके अकाउंट में आया करेंगे। द मैनेजर गोट अप एंड ओपन द डोर, ही कॉल्ड टू द अकाउंटेंट, मैनेजर खड़ा हुआ और दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलकर अकाउंटेंट को आवाज़ लगाई, मिस्टर मॉन्टगोमरी, आवाज़ क्या लगाई, मिस्टर मॉन्टगोमरी, ही सेड अनकाइंड लाउड, बड़े जोर से उसने बोला। अकाउंटेंट का नाम क्या था, मिस्टर मॉन्टगोमरी। दिस जेंटलमैन इज ओपनिंग एन अकाउंट, ये सज्जन अपना अकाउंट ओपन कराने आए हैं। ही विल डिपॉजिट $56, ये $56 उसमें इकट्ठा करेंगे, उसमें जमा करेंगे। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आई रोज, मैं खड़ा हुआ। अ बिग आयरन डोर स्टूड ओपन एट द साइड ऑफ द रूम, अब एक लोहे का बड़ा दरवाजा उस रूम के साइड में खुलता था। गुड मॉर्निंग, आई सेड, मैंने कहा गुड मॉर्निंग, एंड स्टेप्ड इनटू द सेफ, और उस सेफ की ओर अंदर घुस गया। कम आउट, सेड द मैनेजर कोल्डली, मैनेजर ने कहा बाहर आओ, एंड शोड मी द अदर वे, और मुझे दूसरा रास्ता दिखाया। आई वेंट अप टू द अकाउंटेंट्स विकेट, मैं अकाउंटेंट्स विकेट, जो अकाउंटेंट का विंडो था, जो अकाउंटेंट की विंडो थी, उसका जो आप कह सकते हैं कि उसका जो काउंटर था उसकी ओर मुझे भेज दिया। एंड पोक्ड द बॉल ऑफ मनी एट हिम, और उसने जो मैंने उसको बॉल दी जो पैसा रखा हुआ था उसने उसकी ओर पास कर दिया। विद अ क्विक कन्वर्सिव मूवमेंट एज इफ आई वर डूइंग अ कंज्यूरिंग ट्रिक, कंज्यूरिंग मीन्स होता है इनवॉलंटरी एंड जर्की, मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो कन्फ्यूज के साथ, थोड़ा सा आप कह सकते हो कन्फ्यूजियस। सो उसने क्या किया, उसने बड़े झटके के साथ वह जो मेरे बोल थी पैसों की उसने उसकी ओर फेंकी, और उस एज इफ, जैसे कि मैं कोई कंज्यूरिंग ट्रिक, जैसे कि मैं कोई जादू दिखाने वाला हूँ, जैसे मैं कोई जादू का दांव दिखाने वाला हूँ, इस तरीके से उसने वह बोल, वह पैसे वाली बोल अकाउंटेंट की ओर फेंकी। माय फेस वाज गैस्टली पेल, मैं बिल्कुल पीला पड़ गया था, मेरा चेहरा बिल्कुल पीला हो गया था, गैस्टली होता बिल्कुल बिल्कुल पीला हो गया था। हेयर आई सेड डिपॉजिटेड, यहाँ मैंने कहा जमा करना। द टोन ऑफ द वर्ड सीम टू मीन, वे बड़े मीन दिख रहे थे, बहुत ज़्यादा, वे बड़े मीन दिख रहे थे बहुत ज़्यादा। द टोन ऑफ द वर्ड्स, जिस तरह से वो बात कर रहे थे बहुत ज़्यादा मीन लग रहे थे। लेट अस डू दिस पेनफुल थिंग वाइल द फिट इज ऑन अस, चलो ये काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हमारे सर पड़ गया। ही टुक द मनी, उसने पैसे लिए, गेव इट टू अदर क्लर्क, दूसरे क्लर्क को दे दिए। ही मेड मी राइट द सम ऑन अ स्लिप एंड साइन माई नेम इन ए बुक। आई नो लॉन्गर न्यू दैट आई वॉज डूइंग, वट आई वॉज डूइंग, द बैंक स्वैम
बिफोर माई आईज। अब उसने मुझे कहा ठीक है आप एक स्लिप लो, उसमें डिटेल भरो कितने कितने पैसे हैं, जैसे कि आपने कभी बैंक अगर आप लोग गए हो वहाँ पे देखा हो तो अमाउंट भरना पड़ता है कि मेरे पास 10 के इतने हैं, 100 के इतने हैं, ये आप डिटेल भरो, उसमें अपना नाम लिखो। ये चीज़ उसको करने को बोला और वो कह रहा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कर क्या रहा हूँ और मेरी आंखों के सामने सिर्फ बैंक घूम रहा था। इज इट डिपॉजिटेड, क्या डिपॉजिट हो गए, आई आस्क इन ए होलो वाइबरिंग वॉइस, मैंने बड़ी दबी आवाज़ में उनसे पूछा। इट इज़ सेड द अकाउंटेंट, अकाउंटेंट का हाँ हाँ हो गए हैं। देन आई वॉन्ट टू ड्रॉ ए चेक, अब मैं एक चेक ड्रॉ करना चाहता हूँ। माई आइडिया वॉज टू ड्रॉ आउट $6 ऑफ इट फॉर प्रेजेंट यूज, मेरा आइडिया था कि मैं अब उसमें से $6 निकाल लूँ अपने खर्चे के लिए। समवन गेव मी ए चेक बुक थ्रू अ विकेट एंड समवन एल्स बिगन टेलिंग मी हाउ टू राइट इट आउट। अब मुझे एक बंदे ने एक विकेट से काउंटर से चेक बुक दी और एक ने मुझे बताया कि मुझे कैसे फिल करना है, कैसे इसमें लिखना है। द पीपल इन द बैंक हैड द इम्प्रेशन दैट आई वॉज एन इनवैलिड मिलियनेयर, जो वहाँ के लोग थे उन्होंने यह इस तरह से इम्प्रेशन डाल दिया, यह साबित कर रहे थे कि भाई मैं कोई इनवैलिड मिलियनेयर हूँ, मतलब मैं पैसे वाला नहीं हूँ। आई रोट समथिंग ऑन द चेक एंड थ्रस्ट इट इन ए क्लर्क, ही लुक्ड एट इट, मैंने चेक पर कुछ लिखा और उस क्लर्क को दिया तो क्लर्क ने उसको देखा। व्हाट आर यू ड्रॉइंग इट ऑल आउट अगेन, क्या तुम इसको निकालना चाहते हो, ही आस्क, उसने बड़े चौंक के मुझसे पूछा। वह चौंक गया और चौंकते हुए मुझसे पूछा व्हाट, क्या तुम ये निकालना चाहते हो। देन आई रियलाइज्ड दैट आई हैड रिटर्न 56 इंस्टेड ऑफ 6, तब मुझे लगा कि मैंने शायद 6 की जगह 56 लिख दिया है। आई वॉज टू फार गोन टू रीजन नाउ, अब बड़ी देर हो चुकी थी कि मैं कोई बहाना बताता। आई हैड अ फीलिंग, मुझे एक फीलिंग आ रही थी दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन द थिंग, कि चीज़ों को अब इनको बताना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। अब मैं इनको क्या बताऊँ, यह बड़ा मुश्किल सा हो रहा था, मैं उन्हें कुछ बता नहीं पा रहा था। ऑल द क्लर्क्स हैड स्टॉप राइटिंग टू लुक एट मी, जितने भी क्लर्क्स थे वो सब चौंक गए थे, सब ने लिखना बंद कर दिया था। रैकलेस विद मिजरी आई मेड अ प्लंज, रैकलेस विद मिजरी मतलब रेस, बड़ी उत्सुकता से देख रहे थे। आई मेड ये प्लंज, मैंने पता नहीं क्या कर दिया हो। यस द होल थिंग, हाँ हाँ सब कुछ। यू विड्रॉ योर मनी फ्रॉम द बैंक, क्या तुम बैंक से अपना पैसा निकालना चाहते हो। एवरी सेंट ऑफ इट, पूरा का पूरा पैसा। आर यू नॉट गोइंग टू डिपॉजिट एनी मोर, क्या तुम यहाँ कुछ डिपॉजिट नहीं करना चाहते हो, क्लर्क ने चौंकते हुए पूछा। नेवर, कभी नहीं। एन इडियट होप स्ट्रक मी दैट दे माइट थिंक समथिंग हैड इंसल्टेड मी व्हाइल आई वॉज राइटिंग द चेक एंड दैट आई हैड चेंज्ड माई माइंड, उनमें सब बेवकूफ़ वहाँ बैठे थे, उनको लग रहा था कि मैं अब यहाँ से नाराज़ हो गया, इन्होंने कुछ ऐसी बात कर दी जिससे मेरा दिल टूट गया और अब मैं इससे अपना सारा पैसा निकालना चाहता हूँ और मैं यहाँ पर कोई पैसा रखना ही नहीं चाहता। आई मेड अ रेस्ट अटैम्प्ट टू लुक लाइक अ मैन विद अ फियरफुल क्विक टेम्पर, आई मेड अ रेस्ट अटैम्प्ट, अब मैंने एक ऐसे तरह वहाँ पर दिखावटी लुक दिया, एक ऐसा लुक दिया एक आदमी की तरह विद अ फियरफुली क्विक टेम्पर, जो गुस्से में आ गया, एक डरा हुआ सा, एक गुस्से सा, एक सहमा हुआ सा, इस तरह का मैं वहाँ पर हो गया था। द क्लर्क प्रिपेयर टू पे द मनी, अब उस क्लर्क ने पैसा देने की तैयारी की। हाउ विल यू हैव इट, आप इसको कैसे लेंगे, ही सेड, उसने कहा व्हाट, क्या, हाउ विल यू हैव इट, अरे कैसे लोगे भाई। ओ आई कोड हिज मीनिंग एंड आंसर्ड विदाउट इवन ट्राइंग टू थिंक इन 50s में लूंगा। ही गेव मी $50 बिल, उसने मुझे $50 का एक बिल दिया। एंड द 6, ही आस्क्ड ड्राइली, और रुके पन से उसने पूछा ठीक है 50 तो हो गए, $6 कैसे लोगे, $6 कैसे लोगे। इन 6s आई सेड, तो मैंने कहा $6 ही लूँगा। ही गेव इट टू मी एंड आई रश्ड आउट, उसने मुझे दे दिया और मैं वहाँ से बाहर आ गया। एज द बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, एज अ बिग डोर स्वंग बिहाइंड मी, आई कोट द इको ऑफ ए रोर ऑफ लाफ्टर दैट वेंट अप टू द सीलिंग ऑफ द बैंक, सिंस देन आई बैंक नो मोर।
आई कीप माई मनी इन कैश इन माई ट्राउजर्स पॉकेट एंड माई सेविंग्स इन सिल्वर डॉलर्स इन ए शॉक। कह रहा जब मैं वहाँ से भागा तो जैसे ही मेरे पीछे वाला दरवाज़ा था वह बंद हो रहा था, उससे बड़ी हंसने की आवाज़ आ रही थी, जैसे लोग बहुत ज़्यादा हंस रहे हों, और वह सीलिंग ऑफ द बैंक, बैंक की छत पर से भी लोग हंस रहे थे। उसके बाद से मैं कभी बैंक में गया ही नहीं। मैंने अपने पैसों को अपने ट्राउज़र की पॉकेट में संभाला और जो सिल्वर डॉलर सिक्के होते हैं उनको मैंने अपनी सॉक्स में रखा, सॉक्स में संभाला, ठीक है। बट उसके बाद से मैं कभी भी बैंक में नहीं गया। तो इतनी सारी घटनाएं उसके बाद बैंक में हुई। पहली बार गया, बेचारा शर्मिला सहमा सा, बैंक वाले ने भी सोचा पता नहीं क्या लेने आया। उसने कहा मुझे पैसे जमा करने हैं, उनको बड़ा ऑकवर्ड लगा कि सिर्फ 56 डॉलर के लिए इतना कुछ इसने माहौल बनाया, ठीक है। लेकिन अंत में उसने पैसे निकाले, सारे पैसे निकाल कर वह बेचारा घर आ गया। उसने बैंक का मुँह देखा ही नहीं, अपने घर पर ही वह सारा पैसा इकट्ठा करने लगा। यह जो एक कहानी लिखी है ये हमारे स्टीफन लीकॉक ने लिखी है। किसने? स्टीफन लीकॉक ने लिखी है। और इनका जो पूरा नाम है बेटे वो स्टीफन बटलर लीकॉक है। स्टीफन बटलर लीकॉक है और ये कनाडा के ऑथर थे। कहाँ के? ये कनाडा के ऑथर थे। सबसे ज़्यादा इनकी जो कहानियाँ बड़ी मजाकिया हैं, इन्होंने सारी कहानियाँ बड़ी मजाकिया लिखी हैं बेटे। तो अगर कभी मौका मिले इनकी और भी कहानी पढ़ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत हंसी भी आपको आएगी, ठीक है बच्चों। तो बाकी मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, सुनें, और अगर कोई दिक्कत हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।